हाक्तर निहू मिनिस्टर अमित शाह बै कक्जा पांडा पायमन यागलो हास्त्रो की फ्लिशोक बैगाति प्रामोथानी सुप्रीमो महाराजा प्रदुत किशोर देवबर्मा फाइनल 25 अगस्त नि बिशिंगो फाइशोक पायमानो कोताल कक्त महानि शाखा महाराजा प्रदुत किशोर देवबर्मा वन ट्वेंटी फाइव एमेन्डमेन्ट नतुई सांग्रंगसालो हाक्तनि होम मिनिस्टर अमित शाह बै कायसा कक्सा पांडव आचुकमानी बड़ोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल नि चीफ एग्जीक्यूटिव मेम्बर प्रमोद ब्रु तेटी प्रमोथनि सुप्रीमो महाराजा प्रदुत किशोर देवबर्मा आबो हाइकेनो आसालनि कक्सा पांडव मानजाखा नर्थ इस्ट नि जत काउंसिल नि गुबुन चीफ एग्जीक्यूटिव मेम्बर ते कुचुक अजमारक हाक्तनि होम मिनिस्टर अमित शाह बै कक्सा पांडा पायमन यागुल फासालो हास्त्रे किफिली सबैकाति प्रमोथनि सुप्रीमो महाराजा प्रदुत किशोर देवबर्मा खरगा मजमारक नतुई खलाइजोंनाय कायसा कमिटी फाइनल 25 अगस्त निशिंग फाइव शक पैमान कोताल कक्त महानी शाखा महाराजा प्रदुत किशोर देवबर्मा 25th amendment to the Indian constitution in the six schedule areas पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऑल द काउंसिल्स और हमारे अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुआ और हमने उनको बताया है कि काउंसिल्स नीड टू बी स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पावर्स नीड टू कम अटोनमी नीड्स टू कम तो ये सब बात में हमारी चर्चा हुई अच्छी चर्चा हुई और उन्होंने कहा है कि वो एक तीन मेंबर कमेटी बनाएंगे अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनके साथ अटैच्ड है अभी और बाय द 25th ऑफ अगस्त उसका पूरा निर्णय लेंगे ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है ये सब 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है क्योंकि जब कानून पास होता है तो सबके लिए एक ही तरीके से कानून पास होता है सर नॉर्थ ईस्ट का 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ऑल द 10 काउंसिल्स ऑल द 10 काउंसिल्स इनिशिएट मैंने किया था विद प्रमोद बोरो और होम मिनिस्टर का सोच उन्होंने और एक चीज़ कहा है कि अग्रीमेंट्स किसी के साथ भी हो बीजेपी की सरकार के साथ हो या कांग्रेस की सरकार के साथ हो सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और वो सब जो अग्रीमेंट्स हुआ है उसको वो ऑनर करेंगे उन्होंने ये बात भी सिर्फ हमें नहीं सबको कहा आपका दौर में तीन चार उनका विषय में कोई अच्छी थी मेरा और एक बात है वो तिप्रसा अकॉर्ड के लिए दो नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर लिया है विजय रामकुल और मैं और उसका जो बात है वो पैरेलली चल रहा है और आप आने वाले थोड़े दिन में उसका भी रिजल्ट देखेंगे लेकिन डायरेक्ट फंडिंग जो EDC में सिर्फ हमारा नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट का था उसमें ये 50 फाइनेंस कमीशन के अंदर आने के बाद थोड़ा सा रिलीफ आया तो कमेटी कब तक होगा कमेटी जो बना हमारा कमेटी बन गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमेटी भी बन गया है वो त्रिपुरा साउथ कोर्ट के लिए हमारी कमेटी में विजय रामखोल और मैं हूँ त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट से दो रिप्रेजेंटेटिव है और होम मिनिस्ट्री से दो रिप्रेजेंटेटिव बात शुरू हो गई नॉर्थ ईस्ट निकायसी ऑटोनोमस काउंसिल नि हामग्राइनि बागै नाहारजोंनाय कोताल वानसुकमुं हाक्तर हाफानि बोखाक्तै कक्तमा काहाम खोनानानै हिनके 25 अगस्त सालमारि जरा नांनाय नायसिंनानि राजखरागलनि सिमि प्रनमनि कक्थुम सिनि खरां Thank you.